अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, यू वाचिंग तनवीर हाशमी ऑफिशियल चैनल। दोस्तों आज हम इधर आए हैं फरासत भाई के चने हैं यार, क्या चने हैं आपको क्या बताएं। ठीक है, सफाई में, टेस्ट में अपनी मिसाल आप हैं। ठीक है, आपको जल्दी से लेके चलते हैं रिव्यू की तरफ, आपको दिखाते हैं कैसे ये चने तैयार करते हैं, क्या क्या डालते हैं, क्या कुछ नहीं डालते हैं। बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, इसलिए यार आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप भी देखो, जब आपका जंग सदर में चक्कर लगे, फैसलाबाद रोड पे इनका ये स्टैंड है। ठीक है, फाटक, रेलवे फाटक जो है ना फैसलाबाद रोड पे, उसके करीब ही खड़े होते हैं। आप आइए, विज़िट करिए, आपको चने बहुत पसंद आएंगे। जल्दी से आपको लेके चलते हैं चनों की तरफ। यह आप बाकी देख सकते हैं, चनों के अलावा दही बल्ले भी होते हैं इधर। ठीक है यार, सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं तैयार करने का तरीका, कैसे ये तैयार करके देते हैं। उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं। यार मैं तो देख के हैरान रह गया कि इन्होंने इतनी आइटमें, गरीब आदमी होने के बावजूद इन्होंने इतना खर्चा किया हुआ है। ये आप यकीन नहीं करेंगे, 10 किलो दही से रेडी होती है ये। उसके बाद ये आप चेक करें यार, आप अगर यहाँ पे विज़िट करते हो ना मेरी वीडियो देखने के बाद, तो आप ये नहीं कहोगे कि वीडियो देख के हमें नुकसान हुआ है। आप इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पे, ये चने खाएंगे, उसके बाद आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि वाकई यार चने कहीं से खाए हैं, और आपने आज से पहले ऐसे चने भी नहीं कहीं से खाए होंगे। ये हमारे फरासत भाई हैं, ये अब आपको रेडी करके दिखाएंगे कैसे रेडी करते हैं। ये पैकिंग का ख़ास इंतज़ाम है, देख सकते हैं आप, ये पार्सल के लिए भी ख़ास इंतज़ाम है। आप लेके जाना चाहें तो लेके भी जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, भाई के पास हर वक्त ऐसे ही रश रहता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया, इनके पास हर टाइम तकरीबन ऐसे ही रश होता है। या बाकी सफाई यार देखें, मुझे मेरा तो दिल खुश हो गया सफाई देखकर। बाकी यार ये मेरी बाइक है, ठीक है, ये मेरी बाइक है, इसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है यूट्यूब मेरे चैनल पर। ठीक है, आप जाएं जल्दी से जाकर रिस्टोरेशन की वीडियो देखें। उसके बाद इंशाल्लाह मैंने ये सेल भी करनी है, आपको पूरी डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। ये अब प्लेट तैयार हो रही हैं, तो आपको दिखाते हैं प्लेट कैसे तैयार करते हैं। ये पापड़ है, ये भी ये भाई खुद बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं ये। ये प्याज है, प्याज भी माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से रखा हुआ है, कट करके वाश किया हुआ है। ये जार मसाला है, ये भी ये भाई खुद इस्तेमाल करते हैं और खुद ही बनाते हैं। ये हो गया जी खट्टा पानी, इमली वाला पानी है, ये भी खुद तैयार करते हैं। ये हो गया दही का रायता, 10 किलो दही डालते हैं इसमें।
राशिद भाई, ये दिन में कितने डब्बे लग जाते हैं आपके? 2.5 डब्बे लग जाते हैं। और आप ये बताएं, ये 2.5 डब्बे आपके लग जाते हैं तो इसमें कितना टोटल दही आ जाता है और कितना लग जाता है दही? 25 किलो लग जाता है रोज का। सही, यानी 25 किलो आपका दही लग जाता है। और उसके बाद ये किस चीज़ की चटनी है? खुरमानी आलू बुखारे की चटनी है। ठीक हो गया। ये आप कितने कितने की प्लेट दे रहे हैं? 30, 50, 70। ये वाली प्लेट आपने जो तैयार की है ये कितने की है? 30 की। ठीक हो गया। ये यार बाकी आप ये चेक करें, ये सब कुछ चेक करें भाई का। तो अब भाई से पूछते हैं, आप यहाँ पर कितने बजे आते हो और कितने बजे जाते हो, यानी कब से कब तक आप यहाँ पे होते हो? जी फरासत भाई, आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर कब आते हो और कब जाते हो? 5 बजे आते हैं इधर शाम को और 10 बजे चले जाते हैं रात को। और इसके अलावा आप ये बताएं, आपका काम ठीक है? माशाल्लाह यार, मैंने देखा जैसे आप गरीब आदमी हो, माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा खर्चा किया होता है, और आपके ये पैसे पूरे हो जाते हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का, पूरे हो जाते हैं। ठीक हो गया, चले आप काम करिए। हम बात करेंगे इनके कस्टमर से, उनको इनका जायका कैसा लगता है, ठीक है, और वो मतलब पसंद करते हैं इनका खाना, इनके चने दही भल्ले पसंद करते हैं। चलिए चलते हैं इनके कस्टमर से बात करते हैं। जी दोस्तों, चलते हैं और इनके कस्टमर से बात करते हैं कि उनको इनका जायका कैसे लगता है। जी क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शहरोज। शहरोज भाई, ये बताइएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है और सफाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह इस भाईजान का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, सफाई का भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है इधर, इसीलिए रोज़ आते हैं इधर हम खाने के लिए। अच्छा जी, तो आप डेली आते हैं यहाँ पे खाने के लिए? जी जी सर, रोज़ आते हैं हम, तकरीबन हम 3-4 किलोमीटर सफ़र दूर करके ना फिर आते हैं इस भाई से चने खाने के लिए।